हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 26 दिसंबर 2018 की डेली प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। देखो, वैसे आज कुछ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, बट जो भी न्यूज है उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल आया है वो है चाबहार पोर्ट के बारे में। तो हम थोड़ी चाबहार पोर्ट की लोकेशन है वो देख लेते हैं कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है। तो देखो, चाबहार पोर्ट है, जैसा हमें पता है कि इंडिया ईरान में बना रहा था बेसिकली, और उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है और अभी वो फुली तरीके से इंडिया को दे दिया गया कि भाई आप इसको ऑपरेट है वो कीजिए, मतलब प्रॉपर ढंग से फंक्शनलाइज उसका काम स्टार्ट हो चुका है और इंडिया ने भी उस पर वहां पे काम करना अच्छे ढंग से शुरू कर दिया है। देखो, ये है, आपको पता है ईरान, और ईरान के अंदर यहाँ पे जो गल्फ ऑफ ओमान आप देख रहे हो इस वाले एरिया में, यहाँ पे है चाबहार पोर्ट, जहाँ पे आप देख रहे हो मार्कर को, इस वाले एरिया में है चाबहार पोर्ट। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ी हम लोकेशन देखते हैं पहले। तो इसमें ये है पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्रीज है मेन मेन वो भी हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे कतर कंट्री है, यहाँ पे अबू धाबी है, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे ओमान आपको दिख रहा है, और यहाँ पे छोटी सी कंट्री है दिख रहा है यहाँ पे, ये है बहरीन। तो ये भी ध्यान रखना है, बहरीन यहाँ पे, और ये यहाँ पे छोटी सी कंट्री दिख रही है आपको कुवैत। ये देखो, छोटी छोटी कंट्रीज इनकी थोड़ी लोकेशन हमें पता होना चाहिए। हो सकता है यूपीएससी काफी सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ रेंज करवा ले, ईस्ट टू वेस्ट, तो अगर हमें पता हो तभी हम इसको रेंज है वो कर सकते हैं। तो यूपीएससी पूछ ले कुवैत, यमन और यहाँ पे बहरीन को आप नॉर्थ टू साउथ रेंज कीजिए, तो हमें पता होना चाहिए कि कुवैत नॉर्थ में है, उसके बाद में बहरीन है, उसके बाद में यमन है, वो ओमान की भी नीचे की साइड आता है। यहाँ पे अब ये है पर्शियन गल्फ। पर्सिया देखो, बेसिकली पहले ईरान का ही नाम था, तो यहाँ पे ईरान का नाम पुराना नाम था पर्सिया। तो यह है पर्शियन गल्फ जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसके आसपास की रिवर हैं जिनका बॉर्डर टच होता है, वो होता है ईरान का बॉर्डर टच होता है यहाँ पे, और इराक का भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो थोड़ा साइड साइड टच होता है ईरान का भी, इराक का सॉरी। यहाँ पे सऊदी अरब का बॉर्डर टच होता है, कुवैत का बॉर्डर टच होता है, कतर का होता है, यहाँ पे बहरीन हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, इनका बॉर्डर यहाँ पे इस वाले एरिया में टच हो रहा है। और यहाँ पे है स्टेट ऑफ हार्मोज, तो स्टेट ऑफ हार्मोज कौन किसको कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ ओमान पर्शियन गल्फ। तो ये ध्यान रखने की स्टेट ऑफ हार्मूज है वो गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ जो पर्शियन गल्फ है इन दोनों को कनेक्ट हो करती है। देखो, पतरा सा स्ट्रेट देख रहे हो आप यहाँ पे, ये स्टेट हार्मूज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। यहाँ पे हमें लोकेशन है वो पता होना चाहिए। अब देखो, इराक की इंपॉर्टेंट रिवर है, एक रिवर है वो आपको बता दूं टिग्रिस रिवर है, और एक रिवर कौन सी है इराक की वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इराक की दो रिवर इंपॉर्टेंट है, हमने मैपिंग में बहुत बार डिस्कस किया है। एक रिवर है टिग्रिस, टिग्रिस रिवर है वो इराक के कैपिटल है बगदाद, वहां से फ्लो होके करती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि टिग्रिस रिवर है वो इराक की कैपिटल बगदाद है, उससे होके बहती है। और एक रिवर और है उसका नाम भी आपको बताना है, ये आपके लिए हाथ का क्वेश्चन है होमवर्क। अब चाबहार फोर्ट को लेकर जो कंटेक्स्ट है वो जैसा यही है कि चाबहार और फोर्ट है वो ईरान के द्वारा इंडिया को फुली तरीके से हैंड ओवर कर दिया गया कि भी अब आप इसको ऑपरेट है वो कीजिए। और ये ध्यान रखना कि चाबहार फोर्ट है वो ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट के तहत है डेवलप किया गया, मतलब इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था ईरान में, अफगानिस्तान में और इंडिया में, ताकि तीनों कंट्री जिसका यूज है वो कर सकेंगी। और इसके लिए भी मीटिंग हुई थी तेहरान में, वहां पे डिसीजन है वो लिया गया था। अब देखो, चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर हम मैपिंग में देखें एक बार, आप यहाँ पे मैप देखिए, ये रहा, ये यहाँ पे होगा हमारा चाबहार पोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया था ये गल्फ ऑफ ओमान के इस वाले में यहाँ पे है चाबहार पोर्ट। अब देखो, सेंट्रल एशिया वाला रीजन होगा ये, अगर इंडिया को यहाँ पे कनेक्टिविटी चाहिए तो रास्ता क्या था, पहले तो रास्ता था ये अफगानिस्तान वाला है पाकिस्तान के थ्रू, बट आपको पता है कि अफगानिस्तान का जो एरिया जो इंडिया के बॉर्डर टच करता है वो आता है पीओके में, और पीओके अभी किसके अंडर है, पाकिस्तान की, इसलिए इंडिया की यहाँ पे एक्सेस नहीं है, इधर आ जाता है चाइना। तो इंडिया को सेंट्रल एशिया के लिए पास कनेक्टिविटी का कोई ऑप्शन नहीं था, तो इंडिया ने क्या किया कि भाई पाकिस्तान को हम बाईपास करते, यहाँ से ऐसा रूट बनाते हैं। तो इसलिए इंडिया ने यहाँ पे ईरान का जो चाबहार पोर्ट है इसके थ्रू सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी का स्टेप है वो रखा, यहाँ से होते हुए ये हो गया अफगानिस्तान, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी रखी जाएगी और फिर ये सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज होगी यहाँ पे, और इसके साथ ही यूरोपियन कंट्रीज की हम बात करें वहां पे भी कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी। तो इसलिए इंडिया का सेंट्रल एशिया, यूरोप और इस और जो कंट्रीज हैं यहाँ पे इनके साथ कनेक्टिविटी के लिए काफी अहम है वो हो जाता है चाबहार पोर्ट। और इंडिया के चाबहार पोर्ट जो बनाया जा रहा है ईरान में, इसको टक्कर देने के लिए पाकिस्तान में पोर्ट बनाया जा रहा था जो कि वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव के तहत था, उसका नाम है ग्वादर पोर्ट। तो यह ध्यान रखना कि ग्वादर पोर्ट है वो पाकिस्तान में इंडिया के जो चाबहार पोर्ट था उसके क्लोज ही बनाया जा रहा था, जो कि अभी काम है वो उसने भी शुरू कर दिया है। अब हम दो तीन फैक्ट और देखते हैं। गल्फ ऑफ ओमान के बारे में हमने डिस्कस किया, पर्शियन गल्फ जो नेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया कि भाई वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि वहां से इंडिया की ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर है वो होती है,
क्योंकि इंडिया आपको पता है कि ईरान इराक से काफी बड़ी मात्रा में ऑयल को इम्पोर्ट है, वो गैस को इम्पोर्ट करता है। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि चाबहार पोर्ट है वो इंडिया के द्वारा पाकिस्तान को बाईपास करने में काफी हेल्पफुल रहेगा, ताकि इंडिया अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके और वहां पे कनेक्टिविटी के थ्रू जो तालिबान है उसको भी खदेड़ सके। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज के बारे में। देखो अभी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज है, रेल रोड ब्रिज है, वो बनाया गया है। डबल डेकर है, मतलब इसमें नीचे की साइड है वो तो चलेंगी ट्रेन और ऊपर की साइड जो लेयर होगी उसमें चलेंगी बस वगैरह। तो ये ध्यान में रखना की डबल डेकर लेयर का ये ब्रिज है वो डेवलप किया गया, जिसमें रेल रूट भी है और ऊपर रोड रूट भी है। ये एक तरीके से लाइफ लाइन ऑफ आसाम के नाम इसको टेग लाइन है वो दी गई है, जो कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पे बोगीबेल ब्रिज। तो ये ध्यान रखना कि बोगीबेल ब्रिज है वो इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है, जो कहाँ पे बनाया गया है, आसाम, और बात करें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र, इस रिवर के ऊपर। मतलब मेनली तो बना है आसाम में, बट ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ कहाँ फ्लो करती है आपको पता है, आसाम में भी फ्लो करती है, इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी फ्लो है वो करती है। तो जैसा हमने मैप में नॉर्थ ईस्ट में काफी बार डिस्कस किया कि पहले ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश से आसाम में एंट्री करती है, तो ये क्या कर रहा है, जो ये लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है बोगीबेल ब्रिज, ये कनेक्ट करता है यहाँ पे तिनसुकिया, जो कि है कहाँ पे, आसाम में, और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है नाहरलगुन। तो तिनसुकिया जो कि है आसाम में और अरुणाचल प्रदेश में जगह है जिसका नाम है नाहरलगुन, इन दोनों को कनेक्ट है वो करती है। तो यह ध्यान रखना है कि ये ब्रिज बनाया कहाँ पे गया है, कौन कौन से स्टेट में, कौन सी रिवर में, इसकी लेंथ वो है 4.94, मतलब लगभग 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है वो बनाया गया है। रेल रूट भी है इसमें और रोड रूट दोनों इसमें बनाए गए। तो ये कुछ फैक्ट है जिन्हें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो जो चीजें चाइना से इंपोर्ट की जा रही थी, मतलब मिल्क प्रोडक्ट, उनको बैन किया है। देखो पहले से बैन किए हुए थे बट उनको भी 4 महीने के लिए एक्सटेंड है वो कर दिया गया है। इंडिया काफी ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि चाइना से इंपोर्ट करता था, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कि जो दूध के प्रोडक्ट बात करें, पनीर बटर वगैरह हो गया, या फिर इसी के साथ ही चॉकलेट वगैरह हो गई, कैंडी वगैरह हो गई, ये प्रोडक्ट इंडिया काफी बाहर से इम्पोर्ट है वो करता था। जबकि उनमें एक प्रोडक्ट, उनमें एक टॉक्सिक एंजाइम पाया जाता था जिसका नाम है यहाँ पे मेलामाइन। तो यह ध्यान रखना कि मेलामाइन जो एक टॉक्सिक एलिमेंट या केमिकल पाया जाता था, उसकी वजह से इंडिया ने इनको बैन है वो किया है। तो 4 महीने के लिए और ज्यादा बैन को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये बैन अप्लाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो एक तो ये फैक्ट पता होना चाहिए कि किसके कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए हेल्पफुल है। अब देखो जो मेलामाइन जो यूज होता है दूध के अंदर, वो दूध के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कैंडी हुआ, चॉकलेट वगैरह हुई, इनमें इसका यूज है वो होता है। और ये कहीं ना कहीं एक नॉन एडेबल केमिकल होता है जो कि हमारी हेल्थ को काफी नुकसान है वो पहुंचाता है। इसका नॉर्मली जो यूज होता है वो होता है प्लास्टिक और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। तो यह ध्यान रखना कि मेलामाइन जो नॉन टॉक्सिक एडेबल, सॉरी टॉक्सिक और नॉन एडेबल केमिकल होता है, उसका यूज प्लास्टिक और फर्टिलाइजर बनाने में होता है। उसका यूज है वो दूध में भी किया जा रहा था, दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें। इसके लिए इंडिया ने बैन कर दिया कि नहीं भी हम आपसे नहीं खरीदेंगे। तो यह ध्यान रखना कि इंडिया ने अपने जो सुरक्षा मापदंड है उनको स्ट्रॉन्ग करते हुए इस बैन को आगे एक्सटेंड है वो किया है। तो यूपीएससी एक तो मेलामाइन के बारे में पूछ सकती है, और मिनिस्ट्री कौन से वो ध्यान रखना कि इंडिया में जैसे कोई भी बैन लगाना हो बाहर के प्रोडक्ट पे, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा स्टेप उठाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है नेशनल कंज्यूमर डे। देखो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके द्वारा हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे है वो मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रही है वो रही है टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स, मतलब जो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स हैं उनको एक टाइम के साथ है उनको डिस्पोजल है, उनको कंप्लीट है, वो क्या जो उनका निपटारा है वो करना है। अब हम बात करें इंडिया में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चल रहा है वो चल रहा है 1986। अभी तक इंडिया में कंज्यूमर के लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए, उपभोक्ता के राइट्स को बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 काम है वो कर रहा है, जिसकी टैगलाइन है जागो ग्राहक जागो, जिसे हमने काफी बार टीवी मीडिया में भी देखा है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि नेशनल कंज्यूमर डे कब होता है, हर साल 24 दिसंबर को। तो एक तरीके से हम इसका फोल्डर मटेरियल के तौर पर भी यूज है वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि आज की डिस्कशन में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल और थे नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वो है सेतु भारतम के बारे में। तो ये देखो तीनों ही क्वेश्चन है यहाँ पे, तीनों ही क्वेश्चन का आपको होमवर्क के तौर पर आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन ये है कि सेतु भारतम प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है, इसका एम क्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि ब्रिज है उनको बिल्ड करना, नेशनल हाईवे है इसके साथ ही सेफ और सेमलेस ट्रेवल के लिए। सेकेंड ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि बिल्ड ब्रिज ऑन
नेशनल हाईवे नेशनल वाटरवेज। तीसरा स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है कि जो राम सेतु है उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए जो कि गल्फ ऑफ मन्नार को पाल्क स्ट्रीट से कनेक्ट है वो करता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ब्रिज है उनका डेवलपमेंट करना ताकि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनमें कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है यहाँ पे पहरान के बारे में। क्वेश्चन है आपके सामने कि पहरान है वो क्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया कि विंटर फेस्टिवल है जो कि कश्मीर में मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि कश्मीर के अंदर जो लॉन्ग मतलब जो ऊन होती है लंबी ऊन के कपड़े हैं वो हैं। तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि इट इज ए नोमेडिक ट्राइब। नोमेडिक ट्राइब का मतलब होता है खानाबदोश प्रजाति या खानाबदोश ट्राइब जो कि वेस्टर्न हिमालय में पाई जाती है। और चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया गया कि एक हिंदू ट्रेडिशन है जो कि शादी में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दो अस्पा से अस्पा जो सिस्टम है वो मिडवेल टाइम में किसके द्वारा लागू है वो किया गया था किससे रिलेटेड है। सॉरी क्वेश्चन ये है कि दो अस्पा से अस्पा सिस्टम है वो मिडवेल इंडिया में किससे रिलेटेड था। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है इक्ता सिस्टम। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दहसाला सिस्टम। तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जागीरदारी सिस्टम। चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है मनसबदारी सिस्टम। चलो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बताइए कि मनसबदारी प्रणाली है वो किसके द्वारा लाई गई थी। जो मनसबदारी सिस्टम था वो कौन लेके आया था इंडिया में। ये मनसब का सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो देखो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।